हेलो फ्रेंड नीटिंग डिज़ाइन में देखिए पैर सा खूबसूरत स्वेटर की डिज़ाइन जिसमें मैंने शेडेड ऊन से ये बॉर्डर बनाया है और उसके ऊपर की हमारी डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के ये बीच बीच में भी मैंने शेडेड ऊन लगाया है इस शेड वाले ऊन की जगह आप प्लेन ऊन भी लगा सकती हैं किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ इस डिज़ाइन को बनाइए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है तो आइए हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं ये देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें सिक्सटीन सिक्सटीन के मल्टीपल पंदे चाहिए प्लस वन तो ये डिज़ाइन हमारी बिल्कुल सेट हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने सिक्सटीन के मल्टीपल सिक्सटी फोर प्लस वन तो टोटल यहाँ पे सिक्सटी फाइव पंदे में ये डिज़ाइन बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने ये शेडेड ऊन का बॉर्डर बनाया है तो पहले मैंने वाइट कलर से ये पंदे डाले हैं और आठ सिलाइयाँ शेडेड ऊन से किया है और उसके बाद दो सिलाई मैंने वाइट कलर से बनाया है और इसके ऊपर अब हमारी डिज़ाइन बनेगी तो आइए देखते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो रो वन में सबसे पहले वन हमारा ब्लैक से अब हमारा वाइट कलर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फंदे वाइट के वन टू थ्री फंदे ब्लैक और फिर हमारा वाइट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वाइट और वन हम ब्लैक से करेंगे ये देखिए इस पहले ब्लैक को छोड़ करके सिक्स वाइट से वन ब्लैक तक की डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे ये देखिए इन्हीं फंदों को मैंने बार बार जब रिपीट किया है तो बीच में हर बार सिक्स सिक्स फंदे हमारे वाइट के हैं और एक बार थ्री ब्लैक वन ब्लैक वे थ्री ब्लैक वन ब्लैक इस तरह से ये पूरी रो बनी है और लास्ट में हमारा वन ब्लैक है ये हमारी रो नंबर टू है जिसमें ब्लैक कलर से वन टू फंदे ब्लैक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमारे वाइट वन ब्लैक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमारे वाइट से वन टू फंदे ब्लैक तब देखिए इस पहले ब्लैक को छोड़ करके वन ब्लैक से लेकर टू ब्लैक तक के डिज़ाइन को हम पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे ये देखिए रो टू हमारी बन गई है रो टू में जो फंदे हमारे थ्री ब्लैक थे वो बीच वाला एक ब्लैक हो गया है और जहाँ पे हमारा एक ब्लैक था वहाँ दोनों साइड के एक एक ब्लैक और हो गए हैं तो थ्री पंदे ब्लैक के और बीच में हमारे सिक्स सिक्स पंदे जो हैं वो वाइट के हैं ये हमारी रो नंबर थ्री जिसमें वन टू थ्री पंदे ब्लैक अब हमारा वाइट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये इलेवन फंदे हमारे वाइट हो गए अब हमारा ब्लैक वन टू थ्री फंदे ब्लैक के तो ये हमारी एक डिज़ाइन बन गई इस पहले ब्लैक को छोड़ करके दो ब्लैक से लेकर ये तीन ब्लैक तक के हम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे ये देखिए जब इन्हीं फंदों को मैंने बार बार रिपीट किया है तो यहाँ एलेवन वाइट के बाद फाइव फंदे ब्लैक फिर इलेवन वाइट फाइव ब्लैक इलेवन वाइट फाइव ब्लैक एलेवन वाइट और लास्ट में हमारे थ्री फंदे ब्लैक के हैं ये हमारी इलेवन रो नंबर फोर है इसमें हम वन वाइट करेंगे वन टू थ्री फंदे ब्लैक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये नाइन फंदे हमारे वाइट के हो गए वन टू थ्री फंदे ब्लैक वन हमारा वाइट तो अब ये देखिए पहले वाइट को छोड़ करके थ्री ब्लैक से लेकर वन वाइट तक की डिज़ाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे ये हमारी रोल नंबर फाइव जिसमें वन टू पंदे वाइट वन टू थ्री पंदे ब्लैक अब हमारा वाइट कलर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सेवन फंदे हमारे वाइट के हो गए अब हमारा ब्लैक वन टू थ्री फंदे ब्लैक वन टू हमारे वाइट से इस पहले वाइट को छोड़ करके के वन वाइट से लेकर टू वाइट तक की डिज़ाइन को हमें रिपीट करना है ये देखिए जब इन्हीं फंदों को मैंने रिपीट किया है तो शुरू में हमारा टू वाइट थ्री ब्लैक था उसके बाद हमारा सेवन वाइट थ्री ब्लैक थ्री वाइट थ्री ब्लैक फिर सेवन वाइट थ्री ब्लैक थ्री वाइट थ्री ब्लैक तो इस तरह से लास्ट में हमारे थ्री ब्लैक के बाद दो फंदे जो हैं हमारे वाइट के रहेंगे ये हमारी रो नंबर सिक्स जिसमें वन टू थ्री फंदे वाइट वन टू थ्री फंदे ब्लैक वन टू थ्री फोर फाइव फंदे वाइट के वन टू थ्री फंदे ब्लैक वन टू थ्री हमारे वाइट तो ये देखिए एक डिज़ाइन हो गई इस पहले वाइट को छोड़ के टू वाइट से थ्री वाइट तक की डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे ये देखिए जब इन्हीं फंदों को मैंने बार बार रिपीट किया है टू तो स्टार्टिंग में ये थ्री फंदे वाइट के बाद थ्री ब्लैक फाइव वाइट थ्री ब्लैक फाइव वाइट थ्री ब्लैक पाइप वाइट पूरी रो हमारी बनी है और लास्ट में फिर थ्री फंदे ब्लैक के बाद थ्री फंदे वाइट के हैं ये हमारी रो नंबर सेवन है जिसमें सबसे पहले वन हमारा ब्लैक रहेगा और वाइट कलर से वन टू थ्री हमारे वाइट वन टू थ्री फंदे ब्लैक वन वाइट और अब यहाँ पे हमारा शेडेड ऊन आ जाएगा तो वन हम शेडेड ऊन से करेंगे वन वाइट अब यहाँ पे फिर ब्लैक कलर वन टू थ्री फंदे ब्लैक वन टू थ्री फंदे वाइट और वन हमारा ब्लैक तो अब ये देखिए इस वन ब्लैक को छोड़ करके अब हम थ्री वाइट से लेकर वन ब्लैक तक के डिज़ाइन को रिपीट करेंगे ये देखिए जब इन्हीं फंदों को मैंने रिपीट किया है तो इस तरह से ये वी शेप जो बन रहा है इसके बीच वाला पंदा हमारा ब्लैक हो रहा है और ये तो जो जो डिज़ाइन है इसके बीच वाला एक हमारा शेडेड है फिर यहाँ पे बीच में वन ब्लैक है और यहाँ पे एक हमारा शेडेड रून है तो इस तरह से हमारी ये रो सेवन बन गई है ये देखिए रो नंबर एट जिसमें वन टू फंदे हमारे ये ब्लैक के वन टू थ्री फंदे वाइट वन टू ब्लैक अब यहाँ पे हमारा शेड ओढ़ ये वन टू थ्री फंदे शेड वाले वन टू ब्लैक वन टू थ्री हमारे वाइट से वन टू फंदे ब्लैक तो अब ये देखिए इस पहले ब्लैक को छोड़ के वन ब्लैक से लेकर टू ब्लैक तक के डिज़ाइन को हमें रिपीट करना है ये हमारी रो नंबर नाइन जिसमें वन टू थ्री फंदे ब्लैक वन टू थ्री फंदे वाइट और अब यहाँ पे हमारा शेडेड ऑन ये वन टू थ्री फोर फाइव फंदे हमारे ये शेडेड हो गए वाइट कलर से वन टू थ्री हमारे वाइट से अब हमारा ब्लैक वन टू और एक थ्री ये देखिए जब इन्हीं फंदों को मैंने बार बार रिपीट किया है तो हर बार तीन तीन फंदे हमारे थ्री थ्री फंदे वाइट के हैं और जहाँ पे हमारा ब्लैक पंदा था वहाँ फाइव ब्लैक हैं और जहाँ शेड वाले ऊन थे वहाँ फाइव शेड हैं फिर एक बार ब्लैक हैं और एक बार फाइव शेड वाले ऊँन तो इस तरह से ये हमारी पूरी रो बन गई है देखिए रो नंबर टेन इसमें सबसे पहले वन हमारा शेडेड कलर आएगा और अब हमारा ब्लैक कलर वन टू थ्री फंदे ब्लैक वन हम वाइट से करेंगे अब हमारा यहाँ पे ब्लैक वन टू फंदे ब्लैक फिर शेड वाला कलर वन टू थ्री फंदे शेडेड वन टू ब्लैक वन हमारा वाइट वन टू थ्री ब्लैक और वन शेड तो ये देखिए एक डिज़ाइन हो गई इस पहले शेडेड को छोड़ करके थ्री ब्लैक से वन शेडेड ऊन तक की डिज़ाइन को बनाना है ये देखिए रो नंबर इलेवन इसमें वन टू हमारे शेडेड वन टू फंदे ब्लैक और इस वाइट को जहाँ जहाँ हमारे वाइट हैं उनको वाइट ही करेंगे तो वन हमारा वाइट वन टू थ्री फंदे ब्लैक वन शेडेड वन टू थ्री पंदेवा ब्लैक वन हमारा वाइट वन टू ब्लैक अब शेड से वन टू टू हमारे शेडेड इस पहले वाले शेड को छोड़ करके वन शेडेड से टू शेडेड तक के डिज़ाइन को हमें रिपीट करना है ये देखिए रो नंबर ट्वेल्व जिसमें वन टू थ्री फंदे शेडेड अब यहाँ पे वाइट वन टू थ्री फंदे वाइट ब्लैक कलर से वन टू थ्री फोर फाइव फंदे ब्लैक वन टू थ्री फंदे वाइट अब हमारा शेडेड वन टू थ्री फंदे शेडेड तो इस पहले शेड को छोड़ करके टू शेडेड से थ्री शेडेड ऊन तक की डिज़ाइन को रिपीट करना है ये देखिए रो ट्वेल्व तक हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से बन गई है अब हम रो नंबर थर्टीन पे हैं इसमें देखिए सबसे पहले हमारा शेडेड कलर वन टू फंदे शेड वाले अब यहाँ पे हमारा ब्लैक वन टू फंदे ब्लैक वाइट कलर से वन टू थ्री फंदे वाइट वन टू थ्री फंदे ब्लैक वाइट कलर से वन टू थ्री हमारे वाइट वन टू फंदे ब्लैक वन टू हमारे शेडर इस पहले शेड वाले छोड़ करके वन शेड से टू शेड तक के डिज़ाइन को हमें रिपीट करना है ये हमारी रो नंबर फोर्टीन जिसमें वन हम शेडेड करेंगे और इसके बाद वन वाइट वन टू थ्री फन ब्लैक वन टू थ्री वाइट वन ब्लैक वन टू थ्री फन वाइट वन टू थ्री ब्लैक वन वाइट वन हमारा शेडेड तो ये देखिए ये इस शेडर्ट को छोड़ करके के वन वाइट से वन शेडेड तक की डिज़ाइन को हमें पूरी रो में बार बार रिपीट करना है ये देखिए रो नंबर फिफ्टीन में सबसे पहले हमारा वाइट कलर आएगा वन टू थ्री फन वाइट वन टू थ्री पंदे ब्लैक वन टू थ्री फोर फाइव पंदे हमारे वाइट के वन टू थ्री पंदे ब्लैक वन टू थ्री हमारे वाइट तो ये देखिए हमारी एक डिज़ाइन बन गई इस पहले वाइट को छोड़ करके टू वाइट से थ्री वाइट तक की डिज़ाइन को हम पूरी रो में रिपीट करेंगे ये देखिए जब इन्हीं फंदों को मैंने बार बार रिपीट किया तो स्टार्टिंग में सिर्फ तीन फंदे हमारे वाइट के हैं उसके बाद हमारे थ्री ब्लैक फाइव वाइट थ्री ब्लैक फाइव वाइट थ्री ब्लैक फाइव वाइट पूरी रो बनी हुई है और लास्ट में फिर थ्री ब्लैक के बाद थ्री फंदे ही हमारे वाइट के हैं ये देखिए रो नंबर सिक्सटीन जिसमें वन टू थ्री फोर फंदे वाइट वन टू थ्री हमारे ब्लैक वन टू थ्री वाइट वन टू थ्री ब्लैक वन टू थ्री फोर फंदे वाइट के तो ये देखिए पहले वाइट को छोड़ करके थ्री वाइट से लेकर फोर वाइट तक के डिज़ाइन हमें रिपीट करनी है ये देखिए जब इन्हीं फंदों को मैंने बार बार रिपीट किया है तो स्टार्टिंग में हमारे पास फोर फंदे जो है वह वाइट के थे उसके बाद थ्री ब्लैक थ्री वाइट थ्री ब्लैक फिर सेवन फंदे वाइट के और फिर हम थ्री ब्लैक से ये थ्री ब्लैक थ्री वाइट थ्री ब्लैक फिर सेवन वाइट थ्री ब्लैक थ्री वाइट थ्री ब्लैक सेवन वाइट और इस तरह से लास्ट में ये थ्री फंदे ब्लैक के बाद ये फोर हमारे वाइट से हैं ये हमारी रो नंबर सेवेंटीन जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव फंदे वाइट वन टू थ्री फंदे ब्लैक वन वाइट वन टू थ्री ब्लैक वन टू थ्री फोर फाइव हमारे वाइट से तो इस देखिए इस पहले वाइट को छोड़ करके फोर फंदे वाइट से फाइव वाइट तक के डिज़ाइन को हम पूरी रो में रिपीट करेंगे ये देखिए जब मैंने इन्हीं फंदों को रिपीट किया है तो शुरू में फाइव फंदे वाइट के हैं उसके बाद थ्री ब्लैक वन वाइट थ्री ब्लैक और यहाँ पे बीच में हमारे नाइन फंदे वाइट के फिर थ्री ब्लैक वन वाइट थ्री ब्लैक नाइन वाइट थ्री ब्लैक वन वाइट थ्री ब्लैक नाइन वाइट फिर थ्री ब्लैक वन वाइट थ्री ब्लैक और लास्ट में हमारे फाइव फंदे जो हैं वो वाइट के हैं ये हमारी रो नंबर एटीन जिसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फंदे वाइट के वन टू थ्री फोर फाइव फंदे ब्लैक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमारे वाइट से तो ये देखिए पहले वाइट को छोड़ करके फाइव वाइट से लेकर सिक्स वाइट तक के डिज़ाइन को हम पूरी रो में रिपीट करेंगे ये देखिए जब इन्हीं फंदों को मैंने बार बार रिपीट किया है तो स्टार्टिंग में हमारे पास सिक्स फंदे वाइट के थे उसके बाद फाइव हमारे ब्लैक के हैं एवन वाइट फाइव ब्लैक एलेवन वाइट फाइव ब्लैक एलेवन वाइट फाइव ब्लैक और लास्ट में हमारे पास सिक्स फंदे जो हैं वाइट के रहेंगे ये देखिए रो एटीन तक हमारी ये डिज़ाइन इस तरह से बनके तैयार हो चुकी है इसके बाद फिर हम रो नंबर वन से लेकर रो नंबर 18 तक के डिज़ाइन को जब बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन के आएगी ये देखिए इसी 18 रो की डिज़ाइन को मैंने फिर रिपीट किया है तो हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से दिखती है बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी डिज़ाइन तो आइए हम इस डिज़ाइन का ग्राफ भी देखते हैं ये देखिए ये ये है इस डिज़ाइन का ग्राफ इस ग्राफ की हेल्प से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी थैंक यू